हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल TMBB फिजिक क्लासेस, जिसके क्रिएटर है सुनील जूनी फिजिस्टियस। आज हमारा ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज आपको ड्राइंग का बेसिक चीज़ बताएंगे। देखिए, ड्राइंग क्या चीज़ होती है? ड्राइंग के अंदर आकृतियाँ होती है, और आकृतियाँ किससे मिलके बनती है? आकृतियाँ लाइन से मिलके बनती है। अगर समझो हमें लाइन बनाना आ गया तो हमें शेप बनाना आ गया, अगर शेप बनाना आ गया तो हमें ड्राइंग भी बनाना आ गया। चलो लाइन बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जूनी फिजिसिस्ट, एंड मेरे स्टूडेंट ने अभी आपको कुछ बता दी है। ड्राइंग्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही दी है कि ड्राइंग्स क्या होती है। बेसिकली शेप्स होती है, यानी आकृतियां होती है, और उन आकृतियों को बनाने के लिए अपने को लाइंस की आवश्यकता होती है। तो अगर अपन को लाइंस ड्रॉ करना आ गई तो क्या आ गया? ड्राइंग आ गई। तो चलिए अपन बात करते हैं लाइंस की। तो लाइंस बेटा दो प्रकार की होती हैं, सीधी और टेढ़ी मेढ़ी, यानी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की पहले, फिर कर्व लाइन देखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा, आप भी अगर आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप अपना कुछ बुक्स वगैरह लेके या ड्राइंग पैड लेके उस पर प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है? वैसे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मेरी स्टूडेंट 2900 है ऑलरेडी, तो ये जैसे मैं यहाँ बताऊँगा वैसे वैसे ये यहाँ पर ड्रॉ करती जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, यानी सीधी लाइन की। तो सीधी लाइन में अपन बात करेंगे हॉरिजेंटल लाइन, बाद में बात करेंगे वर्टिकल, और कुछ फिर क्रॉस लाइंस भी अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई उन्नति? ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइंस की। तो पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद बनाना है। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए सीधी लाइन बनानी है, ठीक है? तो आपको लेफ्ट से राइट बनानी है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, ये भी साथ साथ बना रही है, ऑलरेडी ट्रेंड है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस ड्राइंग पैड पे ज़्यादा है, यहाँ बोर्ड पे फर्स्ट बार इसने बनाया है तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है ये। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से, ये इधर लेफ्ट हो गया और इधर हो गया राइट, ठीक है भाई? तो लेफ्ट से राइट में आपको इसी लाइन्स पे एक बार जो आपने सीधी लाइन फ्री हैंड करना है, ऐसे 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 से नहीं बनानी है आपको टुकड़ों के अंदर, वो डेढ़ लाइन होती है, अपने को जिंदा लाइन बनानी है बोले तो, एकदम गहरी इस टाइप से। हल्के हाथ से पकड़ के रखो पेंसिल को और ऐसे जाने दो, टेढ़ी जा रही तो जाने दो स्टार्टिंग में। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, एक बार इसकी टेढ़ी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगी ना तो इसकी सीधी भी आ जाएगी, और बार बार इसी पे वापस चलाते जाओ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। उन्नति बना था, इनको दिखाना एक बार के लिए, साइड में आ जाओ इधर। इस तरीके से, हाँ, इसी पे बार 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 करते जाऊँ। अब एक मिनट यहाँ आके बता दो इनको, इधर आ जा, ये देखिए उनकी बता दिया। तो लेफ्ट से राइट गए, अब अपने को उल्टा लेना है राइट से लेफ्ट, तो इधर आइए, देख लीजिए उन्नति, पहले इसको देख लीजिए, इधर राइट है ये, तो यहाँ से इधर प्रैक्टिस करते जाइए बार बार इसी पे, एक लाइन ड्रॉ करके उसी पर बार बार आपको जितना एज पॉसिबल आप उसी पे सीधी लाइन खींचने की कोशिश करो, और जितना हो सका फ्री हैंड चलाइए आप इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? लाइन स्केल से नहीं बनानी है अपने को सीधी, अपने को हाथ से बनानी है, पेंसिल से बनानी है, ठीक। अब अपन बात करते हैं, ये हो गई हॉरिजेंटल लाइंस, अब बात करते हैं वर्टिकल की। तो ऐसी कैसे आपको वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो वर्टिकल लाइन के लिए क्या करना है, ऊपर से नीचे आ जाइए, तो आप देखो आपको ऐसे ऐसे टिका के नहीं चलाना हाथ को, इस तरीके से चलाना फ्री हैंड, जैसे मैं चला रहा हूँ, अप डाउन ऐसे, इसी पे बार 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 खींचते जाइए। अगर आपका परफेक्शन आएगा आपके वर्क में, तो हर बार इसी लाइन पे बार बार ये लाइन चलेगी अपनी, और अगर परफेक्शन नहीं होगा तो कभी इधर खींचेगी कभी इधर खींचेगी, है ना, जैसे इसने किया। अब आपको क्या करना है, डाउन से अप जाना है, तो वापस साइड में ले लीजिए, डाउन से अप, डाउन अप, डाउन अप। आप कहोगे सर ये तो फालतू की चीज़ें हैं, बट रियली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ड्राइंग सीखनी है तो पहले आपको लाइंस आनी चाहिए, और लाइंस आनी तब कब आएगी, जब इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ड्राइंग धैर्य रखने पर ही सीखी जाती है, ऐसे नहीं कि आज बताया ना कल आप परफेक्ट हो जाओगे। खैर, तो अपन ने लेफ्ट से राइट ले ली, राइट से लेफ्ट ले ली, अप से डाउन ले ली, एंड डाउन से अप ले ली थी। अब उन्नति आपको बात करते हैं क्रॉस लाइन लगानी है, तो क्रॉस लाइन लगा के बताइए, यहाँ लगा के बता दीजिए। अब ये देखो क्रॉस, आप बोर्ड के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाने की कोशिश करना, मतलब, और जितना उसके लंबी लाइन खींचो अपने हिसाब से, बिल्कुल सही है, देखिए ऐसे जैसे मैंने बनाई, बिल्कुल। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाइए, बिल्कुल सही। अब आप इधर से ये लेफ्ट वाले क्रॉस ले लीजिए इस तरीके से, वेरी गुड वेरी गुड। बस मेन है कि आपको अपना जो हाथ है वो इस ड्राइंग पैड या जो भी आपके पास बोर्ड वगैरह उस पर टच नहीं कराना, क्योंकि उससे फिर मतलब नहीं आएगा, सहारा मिल जाएगा, फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहिए इस तरीके से। ये ऐसे खींच दिया, बार बार इसे भी चलते जाऊँ, क्रॉस ऐसे खींच दिया, ये जिगजैग लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन आप जो मर्जी जैसे खींचना चाहते हो, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बहुत सारी खींचते जाओ,
ये कब काम आती है पता आपको, शेडिंग वगैरह में काम आती है। जैसे मुझे यहाँ पर ये पार्ट ले लिया, इसमें शेड करनी है, तो आपको देखो इस तरीके से कर सकते हो आप। अगर आप सीधी लाइन खींच पाओगे तो ही कर पाओगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी सीधी लाइन में तो आप इस प्रकार के शेडिंग नहीं कर पाओगे। ये बॉक्स है, इसके आधा पार्ट इधर से करना है, तो ऐसे बिना स्केल के लाइन, हाँ बिना लाइन मतलब ड्रॉइंग में आपको स्केल तो काम लेनी ही नहीं है। ओके, तो ये सारे खेल हो गया सीधी लाइनों के बारे में। अब थोड़ा सा आज के लेसन में इतना ही। ओके, थैंक यू।